खराब लाइफस्टाइल और डाइट की वजह से आजकल लोगों के बाल तेजी से झड़ रहे हैं, साथ ही कम उम्र में सफेद बालों की समस्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में बालों का झड़ना रोकने के लिए और नए बालों के ग्रोथ के लिए बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। कई सारी चीजें ट्राई करते हैं अपने बालों पे, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता, बाल झड़ना नहीं रुकते और हेयर ग्रोथ होती ही नहीं है, बाल पहले से और भी ज्यादा पतले होते चले जाते हैं। लेकिन अगर इन सारी समस्याओं से पीछा छुड़ाना है और तेजी से अपने बालों को बढ़ाना है, बालों का झड़ना रोकना है, तो आपको अपनी डेली डाइट में कुछ फूड्स को शामिल करना होगा, कुछ ऐसे फूड्स जो आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाएंगे और बालों का झड़ना कम करेंगे। और इन फूड्स में आपको दो बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले तो इसमें हाई प्रोटीन जैसे कि बायोटिन और दूसरा आयरन, जिसकी कमी से बाल तेजी से झड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन फूड्स के बारे में जो आपके बालों को तेजी से उगाने में आपकी मदद कर सकते हैं और हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। हमेशा आप एक्सटर्नली चीजें ट्राई करके अगर थक जाते हैं तो कुछ इंटरनली पर भी फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सटर्नली चीजें वर्क कर जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक्सटर्नली चीजें वर्क नहीं कर पाती हैं और हमें इंटरनली कुछ चाहिए होता है। और जब हम इंटरनली कोई चीजें लेते हैं तो फिर वो डायरेक्ट असर करती हैं आपके उस प्रॉब्लम पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। एग प्रोटीन और बायोटिन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है जो आपके हेल्दी हेयर के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग न सिर्फ आपके बालों को झड़ने से रोकते हैं बल्कि आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में भी बहुत हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये आपके हेयर पोर्स को खोलता है और उसमें पोषण पहुंचाता है, इससे आपका हेयर ग्रोथ फास्ट हो जाता है, आपके बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो अपने रेगुलर डाइट में आप एग को जरूर शामिल करें। आप चाहें तो इसे मॉर्निंग या इवनिंग किसी भी टाइम पे एक या दो एग अपने रेगुलर डाइट में शामिल कर सकते हैं और अपने बालों की हेल्थ को सुधार सकते हैं। पालक प्रोटीन से भरपूर होता है और ये बालों की हेल्थ को सुधारने के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके स्कैल्प में हो रही प्रॉब्लम्स को दूर करने के साथ साथ नए हेयर ग्रोथ में भी बहुत हेल्प करता है। अगर आप रेगुलर पालक खाते हैं तो इससे आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, जिससे बाल झड़ने की समस्या कम होती है। कई बार आप नोटिस करना, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हो तो अचानक से आपके हेयर फॉल पहले से ज्यादा बढ़ जाते हैं, बिना वजह हेयर फॉल हो रहे होते हैं, ये स्ट्रेस के कारण भी होता है। तो थोड़ा सा खुद को ना स्ट्रेस से दूर रखना भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में रहोगे तो बेवजह बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। अगर नहीं भी झड़ रहे तो झड़ने शुरू हो जाएंगे, और अगर पहले से ही झड़ रहे थे तो फिर और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो स्ट्रेस को अपनी लाइफ से थोड़ा सा दूर रखो। इसके अलावा पालक जिंक और आयरन से भरपूर होता है, जो कि आपके बालों को तेजी से बढ़ाने में बहुत मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरपूर स्ट्रॉबेरी कोलेजन उत्पादन और आयरन के अवशोषण में बहुत हेल्प करता है, और ये दोनों ही चीजें आपके बालों की बिगड़े हुई हेल्थ को सुधारने में बहुत हेल्प करते हैं, आपके हेयर ग्रोथ को दोगुना तेज कर देते हैं और स्कैल्प में हो रही सारी परेशानी को कंट्रोल करते हैं। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है तो हेयर फॉल को रोकता है। तो अगर इजीली आपके आसपास स्ट्रॉबेरी अवेलेबल हो तो आप रेगुलर डिसिप्लिन डाइट में जरूर शामिल करें, यह आपके बालों के लिए बहुत ही बेस्ट चीज है। अलसी के बीज जड़ों से आपके नए बाल बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। ये ओमेगा 3 फैटी ऑयल से भरपूर है, जो कि बालों को तेजी से बढ़ने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा अलसी के बीजों में आयरन और जिंक की भी बहुत अच्छी मात्रा होती है, जो आपके नए बालों को उगाने में मदद करता है, हेयर रीग्रोथ करने में बहुत हेल्प करता है। बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अपने डेली डाइट में शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में होता है, जैसे कि बादाम और अखरोट। इन दोनों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसे रेगुलर अपनी डेली डाइट में शामिल करना आपके हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कुछ ऐसे फूड्स हैं जिसे रेगुलर तौर पे बहुत सारे लोगों को खाना पसंद है। इसमें से शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जो आप में से कुछ लोगों को पसंद ना हो, लेकिन ये सारी चीजें आपके हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है ना, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल का हेयर फॉल हो रहा है और अब भी आप सब कुछ करके थक चुके हो, आपने एक्सटर्नली सारी चीजें कर ली हैं, तो उसके बाद कुछ भी एक्सटर्नली अप्लाई करने से पहले एक बार इन सारे फूड्स को अपनी डेली डाइट में ज्यादा नहीं सिर्फ 15 दिनों के लिए आप शामिल करके देखो। अगर आपके हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होते हैं, अगर आपके हेयर फॉल में कोई सुधार नहीं होता है, तो फिर छोड़ देना। लेकिन 101% गारंटी के साथ मैं बोल रही हूं आपको कि ये सारी चीजें 101% इफेक्ट
करती हैं, वॉक करती हैं, क्योंकि जब हम इंटरनली अपनी बॉडी को कुछ चीजें देते हैं ना तो वो डायरेक्ट असर करती हैं। एक्सटर्नली तो थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि चलो 99% होगा या 98% होगा, लेकिन जब आप इंटरनली कोई चीजें अपनी बॉडी को देते हो तो वो डायरेक्ट आपके ठीक उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करती हैं जिसके लिए आप वो चीजें ले रहे हो। तो ये सारी चीजें अपनी डेली डाइट में रेगुलर आप जरूर शामिल करें। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीजें जो आपको रेगुलर तौर पे करनी चाहिए अगर बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है या फिर बाल बिल्कुल डल, डैमेज और फिजी हो गए हैं, एकदम बालों की रंगत चली गई है, उड़ गई है, खुद को भी देख करके बहुत अजीब सा लग रहा है। तो ऐसे में दो ऐसी चीजें हैं जो आपको रेगुलर ध्यान देने वाली हैं। अगर ये दो चीजें आप ट्राई करते हो ना हमेशा, तो आपके बालों का एक नेचुरल जो कलर होता है ना, जो कि नेचुरल बिल्कुल सिल्की और स्मूथ आपके बाल दिख रहे होते हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के, वो आपको मिलेंगे लाइफ लॉन्ग अगर आप ये दो चीजें अप्लाई करते हो अपने बालों के लिए। तो एक तो आपके बालों के कलर और टेक्सचर को सुधारेगा और दूसरा आपकी हेयर ग्रोथ में आपकी बहुत हेल्प करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेगुलर अपने बालों में ऑयलिंग नहीं करते हैं, ऑयलिंग तो चलो फिर भी कर भी ले, मालिश नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं, मतलब उन्हें ऐसा अजीब सा लगता है ना, और ऑयल लगा करके मतलब वो एक से दो दिन तो बिल्कुल रह नहीं सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप बहुत गलत चीज करते हो। आपको अपने बालों में रेगुलर मालिश करनी है, रेगुलर ऑयलिंग करनी है। अब आप ये कहोगे कि यार हम वर्किंग है, हम ऑफिस जाते हैं, हम रेगुलर ऐसे ऑयलिंग करके तो ऑफिस नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, नहीं जा सकते, लेकिन जब वीकेंड होता है, आपको दो दिन मिलते हैं या एक दिन मिलते हैं वीक में, तो आप एक दिन पहले रात में अपने बालों की अच्छे तरीके से मालिश करेंगे। जो भी हेयर ऑयल आप अपने बालों के लिए यूज करते हैं उसे आप मालिश करेंगे अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से कम 10 से 15 मिनट आपको अपने स्कैल्प की मालिश करनी है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आप स्कैल्प की मालिश करते हैं ना, एक तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है और जो ऑयल आप अपने स्कैल्प को दे रहे होते हैं वो सीधा डायरेक्ट रूट तक जाता है और आपके स्कैल्प में हो रही सारी परेशानियों को सबसे पहले वो दूर करता है और आपके हेयर जो कि डल और डैमेज नजर आ रहे थे वो दूसरे दिन बिल्कुल खिले खिले से दिखते हैं। ये ऑयलिंग करने का सबसे पहला फायदा होता है। तो आप ऑयलिंग करके कम से कम अपने बालों को 6 से 8 घंटा दीजिए। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे पहले शैम्पू करना है तो बस बालों में फटाफट से जितना मर्जी उतना तेल थोप लिया, हल्का सा लगा लिया, ऐसे जूड़ा बनाया, 2 घंटे बाद शैम्पू कर लिया। ये काम अगर आप करते हैं तो आपके बाल मतलब ऐसे ही रहने वाले हैं, थोड़े टाइम के लिए आपको थोड़ा अच्छा फील होगा, फिर 1-2 दिन बाद वो वैसे ही फ्रिजी नजर आएंगे। तो इस कंडीशन में आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि अपने बालों पे ऑयलिंग करके कम से कम 6 से 8 घंटे अपने बालों को ऐसे ही छोड़ देना है। और अगर आप 1-2 दिन अपने बालों में ऑयल लगा करके रख सकते हो तो फिर ये तो बहुत ही बेस्ट है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ऑयलिंग रेगुलर आपको अपने बालों में करनी है अपने बालों के अच्छी हेल्थ के लिए। दूसरा, आपको हर 6 से 8 हफ्ते बाद अपने बालों की ट्रिमिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ ट्रिम करना है नीचे से थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा इतना कटवा ली इतना कटवा ली, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल जरा जरा सा नीचे से अपने बालों को ट्रिम। आप चाहो तो घर पे भी कर सकते हो, आप चाहो तो पार्लर में कर सकते हो, किसी से करवा सकते हो। अगर आप रेगुलर अपने बालों को ट्रिम करते हो तो आपके हेयर ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से होते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि बालों की एक प्रॉपर मतलब वो अपनी लेंथ पे जा करके ना रुक जाते हैं, उसके बाद उनकी ग्रोथ नहीं होती है। तो अगर आप ट्रिमिंग करते हो हर 6 से 8 हफ्ते बाद तो बालों की ग्रोथ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। बस आप 2 से 3 महीने के लिए इस ट्रिक को फॉलो करके देखो, आप हर 6 से 8 हफ्ते बाद अपने बालों को बिल्कुल जरा सा नीचे से हल्का सा उसे ना मतलब ऐसे करके ट्रिम करो। ठीक है, खुद घर पे अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, वरना आप जैसे चाहो वैसे थोड़ा सा नीचे से हल्का सा ट्रिम करो। आप 2 से 3 महीने करके देखो, अगर इस 3 महीने में आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है तो फिर इसे रेगुलर फॉलो करो, क्योंकि ये वर्क करता है, ये बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क करता है। ये थी आज की छोटी सी लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर कहीं से भी आपको अच्छी लगी है तो इसे 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक मैं हमेशा लेकर के आती रहती हूँ। आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ विद न्यू वीडियो एक और अच्छे से टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।